अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरी वीडियो की सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। पैकेट हमने मशरूम लिए, बड़ा साइज़ में लिए, थोड़ा सा हमने मैदा लिया, कॉर्नफ्लोर लिया, हरी मिर्ची, लहसुन, नींबू की हमने ये पेस्ट बना लिया, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और ये हमने मैगी मसाला लिया थोड़ा सा, और ये मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, उसमें हम मैदा डालेंगे 3 चम्मच, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे 2 चम्मच, ये हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाई है हमने नींबू डाल के, इसको डाल देंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, मिर्ची डालेंगे अपने टेस्ट अनुसार, गरम मसाला डाल देंगे, ये एक मैगी मसाला डाल देंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको घोल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। साथ में हम ये धो के मशरूम रखी हुई है, मशरूम रखी हुई है, इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मिक्स करके हम इस मशरूम को इन दोनों तरफ से निकाल लेंगे टूथपिक, दोनों साइड से साथ के साथ हम ऐसे टूथपिक लगा लेंगे, ऐसे ही हम सब मशरूम में लगा लेंगे। ये हमने मशरूम, सब मशरूम को ऐसे पिन्ने 2 लगा दी हुई हैं थोड़ी सी गैप छोड़ के। अब हम इसको आधा घंटा 1 घंटा फ्रीज़र में रखेंगे। 1 घंटे बाद हमने मैरिनेट करके रखा था फ्रीज़र में, वो निकाला है। अब हम इसमें 1 नींबू और ऐड कर रहे हैं, इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसको बीच में से इसको 2 पीस कर देंगे, मशरूम के हम 2 पीस कर देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई। हमने एक फ्राई पैन में तेल गरम कर लिया, अब हम इसमें मशरूम डालेंगे, डीप फ्राई करेंगे सिम आंच पे। इसको पलटा देंगे, सिम आँच पे करना है, मशरूम जो मैरिनेट की हुई है वो गल जाए। ये बहुत टेस्टी लगती है, हम इसको क्रिस्पी कर लेंगे और सिम आँच पे करेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, नहीं तो अंदर से गलेगी नहीं। ये हमारी ब्राउन हो रही है, अंदर से ही पक रही है, ये हमारी गोल्डन ब्राउन हो गया मशरूम। अब हम इसको निकाल लेंगे, हमारी रेसिपी तैयार है। गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा थोड़ा,